गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्टोरी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है आज का टॉपिक देखते ही आपके सबके दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी कि यू और भीम इसको पढ़ने की क्या जरूरत है हमें ये पता है क्या होता है लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कन्फ्यूज़न है और मेरे ख्याल से आप भी ऐसे ही बोलते होंगे कि यू भीम अब यू अलग है भीम अलग है क्या ये आपको पता था और क्या यू पी आई से आ, के बेस्ड और भी ऐप है या सिर्फ भीम ही वर्क करता है यू पी आई पर तो आइए सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यू पी आई क्या है जिसको लेके बहुत बच्चों को इनफैक्ट बच्चों को इन्हीं बड़े बूढ़ों सबको मुझे भी कन्फ्यूजन थी जब तक मैंने इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा तो देखते हैं यू पी आई होता क्या है सो यू पी आई स्टैंड फॉर यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस

को यूज़ करने के लिए इस इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो एप्लीकेशन कोई सी भी हो सकती है वो हो सकती है भीम वो हो सकती है फ़ोन पे वो हो सकती है गूगल पे वो हो सकती है पे और भी आ, बहुत सारे हैं जो आपको पता ही होगा आप ज़्यादा यूज़ करते हैं सम ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यू पी आई आर लिस्टेड बिलो इट इज़ डेवलप्ड बाई एन पी सी आई एंड इस कंट्रोल बाई आर बी आई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन तो ये बनाया किसने था एन पी सी आई ने ठीक है बहुत बढ़िया बात है लेकिन कंट्रोल कौन करता है इसको आर बी आई प्लस जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है और इसमें दस बैंक्स हैं और दस बैंक्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बना रखी है और उसको बोलते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन अब ये एन पी सी क्या है इसका भी एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं एन पी सी आई एक अम्बरेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया इट इज़ एन इनिशियेटिफ आर बी आई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट तो ये जो एन पी सी आई है ये सेक्शन एट कंपनी है और सेक्शन एट कंपनी क्या होती है एन पी ओ दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन और इसको किसने बनाया था ग्रुप ऑफ बैंक जिनको बोलते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन और आर बी आई ने मिल के बनाया था और इसके फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में तो फ़ीचर्स क्या हैं एक तो 24 घंटे उपलब्ध है कहीं भी बैठी आपको क्या चाहिए सिर्फ एक मोबाइल नेटवर्क चाहिए और बस और आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए दैट इज़ तो भाई डेफिनेट बात है इसको तो, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है तो ये ट्वेंटी आवर्स अवेलेबल है इट इज़ फास्टर देन नेफ्ट क्यों क्योंकि उसमें नेटिंग uh, होती है हर आधे घंटे में बताया था मैंने आपको ठीक है इट इज़ अवेलेबल ऑन पब्लिक हॉलीडेज़ मतलब ये देखिए छोटी सी बात ट्वेंटी फ़ोर सेवन 365 अवेलेबल है एवरी बैंक प्रोवाइज इट्स ओन यूपीआई फॉर डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म लाइक एंड्रॉड एंड आईओएस। सबके पास ये होता है और सब बैंक्स के अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे एचडीएफसी का खुद का प्लेटफॉर्म है एचडीएफसी का ऐप बना हुआ है ऐसे एक्सिस बैंक का है ऐसे सबके अपने एप्स हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं और यूज़ किसको करते हैं यू को इट कैन बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू मर्चेंट्स एंड पे यूटिलिटी बिल्स रिचार्ज कराना है गैस का सिलेंडर uh, भरवाना है पेमेंट्स करनी है फंड ट्रांसफर करने हैं फ्रेंड को पैसे भेजने हैं तो इन सब के लिए यूज़ होता है अब चलते हैं हमारे भीम पे कि भीम क्या है इसको हम ये यू पी आई भीम एक ही समझते हैं क्या है सो so फ्रेंड्स भीम जो है एक मोबाइल ऐप है जस्ट लाइक अ फेसबुक और व्हाट्सएप फ़ोनपे पेटीएम और जो भीम है जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो है यू पी आई इट इज़ अ मोबाइल ऐप विच इज़ डेवलप बाई एन पी सी आई एंड इज़ बेस्ड ऑन यू पी आई सिस्टम एनेबल्स मनी ट्रांसफर फ्राम वन अकाउंट टू अनदर बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ मोबाइल नंबर भीम किस किस थ्रू आपको अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है आपका जो मोबाइल नंबर है आप जैसे आप मान लीजिए मेरा एक्स वाई एक्स वाई है और मेरे फ्रेंड का एक्स वाई जी सेड है ठीक है तो मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रोवाइडेड मेरे फ्रेंड ने भी इस पर रजिस्टर कर रखा हो और जो पैसे हैं उसके अकाउंट जो इस मोबाइल नंबर से एसोसिएटेड है मान लीजिए मेरा अकाउंट है आई में ठीक है और मेरा नंबर लिंक्ड है उससे फ़ोन नंबर सेम वे मेरे फ्रेंड का अकाउंट है एच में और उसका ये एच का अकाउंट इसके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो मुझे सिर्फ क्या करना है सिर्फ ये मोबाइल नंबर डालना है वो पॉपअप हो जाएगा और फंड ट्रांसफ़र करने हैं दैट इज़ हाउ इट इज़ डन दस से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसकी जो लिमिट है वो बीस हज़ार पर डे है मतलब बीस हज़ार से ज़्यादा आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और पर ट्रांजेक्शन लिमिट है दस हज़ार तो मतलब आप दस हज़ार करके दो बार भेज सकते हो मतलब मैक्सिमम तो बीस हज़ार है लेकिन एक ट्रांजेक्शन आप दस हज़ार से ज़्यादा का नहीं कर सकते हो तो ये तो हो गया आपका भीम तो फ्रेंड्स भीम जस्ट लाइक अदर ऐप्स फ़ोन पे पेटीएम तेज़ ये सारे इनकी तरह हैं जो कि यू टेक्नोलॉजी या यू इंटरफेस को यूज़ करते हैं भीम और यू प्लीज़ मिक्स मत कीजिएगा दो डेवलप बाय वन मतलब एक ही एंटिटी द्वारा जो कि एन है उनके द्वारा डेवलप किया गया है बट ये दोनों एक चीज़ नहीं है एन द्वारा और भी चीज़ें डेवलप करी गई हैं जैसे रुपे कार्ड तो आप रुपया रुपये यू थोड़ी बोलते हो तो आप क्यों क्योंकि अलग चीज़ें हैं तो एन द्वारा और क्या प्रोडक्ट्स डेवलप किए गए हैं भारत क्यू कोड ठीक है किसी से भी स्कैन करो और आप पे कर सकते हो और आपका भीम ऐप आप, ठीक है तो ये सब चीज़ें एन जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है कंपनीज़ एक्ट के अंतर्गत उसके द्वारा डेवलप किए गए हैं ये दोनों चीज़ें तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और ये सब मेकैनिज़म क्यों लेके आती है गवर्नमेंट या आर ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन बचे हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जब भी आप डिजिटली ट्रांजेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है भले ही वो बैंक अकाउंट्स में होती है भले ही वो इंटरफेस में होती है तो लेकिन इसका रिकॉर्ड डेफिनेटली गवर्नमेंट को कभी रिट्रीव करना हो तो कर सकते हैं कैश ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और गवर्नमेंट चाहती है कि मिनिमम से मिनिमम कैश ट्रांजेक्शन और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो इसलिए वो कन्वीनियंस ताकि लोग इजिली यूज कर पाए हेजिटेट ना करें ऐसे ऐप्स को लॉन्च करती है ऐसे ऐप्स को प्रमोट करती है अब एक बार लास्ट स्लाइड देख जिसमें बोला गया है आर यू पी एन भीम सेम नहीं दोनों सेम नहीं है ऑलरेडी डिफरेंस पढ़ा चुकी हूँ यूपीआई एक इंटरफेस है जबकि भीम एक ऐप है लाइक फ़ोन पे इफ अ पर्सन हैज़ बैंक अकाउंट्स विद डिफरेंट बैंक एंड पर्सन विल हैव टू यूज डिफरेंट यू पी आई एप्स एंड वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बट भीम में क्या है यूनिफाइड पेमेंट ऐप है बेस्ड ऑन यू पी आई विच कैन बी सिंक टू एनी यू पी आई एनेबल्ड बैंक अकाउंट्स आपका अगर बैंक अकाउंट यू पी आई एनेबल्ड है आपने यू पी आई आई डी क्रिएट कर रखी है थीम यूज़ करिए और आप कहीं से भी किसी भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको भी एच का अगर आपको भेजना है एच में तो एच का ही अकाउंट चाहिए या ऐप चाहिए नहीं इसमें आप इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी बस आपको सिर्फ़ फ़ोन नंबर डालने की आवश्यकता है और आपका काम ख़त्म सो फ्रेंड्स आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि ये चीज़ क्या है आप रोज़ यूज़ करते हैं हम इसको रोज़मर्रा की रूटीन में इसको थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें होती क्या है ये नहीं कि बोले जा रहे हैं लोग यू पी आई भी यू पी आई भी नहीं क्या फ़र्क क्या है थोड़ा सा अलर्ट होना ज़रूरी है एक सिटीज़न के लिए कि ये चीज़ें क्या है क्यों डेवलप करी गई हैं क्या फीचर्स हैं अब जैसे जो यू पी आई टू पॉइंट जीरो आया था सो यू पी आई के दो वर्जन है पहले आया था यू पी आई वन देन वो आया था यू पी आई टू पॉइंट जीरो और उसका सबसे स्ट्राइकिंग फ़ीचर क्या था कि वो ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है ओवर ड्राफ्ट अकाउंट को भी आप लिंक कर सकते हैं उसके साथ तो ये वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स था तो ये चीज़ों के साथ आपको अवेयर और अपडेटेड होना ज़रूरी है और ये तभी हो सकता है जब आप डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ें सो so फ्रेंड्स इन बातों को ध्यान रखिएगा और आज का वीडियो मैं इसी के साथ फाइंड अप करना चाहूँगी थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग